की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान में मोदी मोदी चल रहा है। सासी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे। पाकिस्तान में 4 जून ट्रेंडिंग क्यों है? मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे, क्या आप समझते ऐसा होगा? मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम होगा ये पाकिस्तान के लिए। हिंदुस्तान में अभी चुनाव बाकी है, अभी तो नतीजे आने भी बाकी हैं, लेकिन भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तानियों को भी 4 जून का इंतजार है। वजह पाकिस्तानियों से ही सुनिए। काफी पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे, क्या आप समझते ऐसा होगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ऐसा होगा, याद रखना तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी, याद रखना। वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, वी आर एट पार बिकॉज उनके पास भी एटम बम, तबाही है ना, तो तबाही में तो हम बराबर हैं, बाकी तो कुछ साइज आबादी वसायर उनकी मईशत, वो हमसे कहीं आगे हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। चुनाव के नतीजे आने में अभी करीब 2 हफ्ते का वक्त बाकी है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनलों से लेकर गली मोहल्लों तक एक ही चर्चा है कि क्या नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और अगर ऐसा है तो क्या पहला दौरा पाकिस्तान का करने वाले हैं? पाकिस्तान में बड़े पत्रकार हसन निसार क्या कहते हैं, सुनिए। मैं मोदी साहब को, नरेंद्र मोदी को, मैं समझता हूँ वो इस सदी की जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है, पाकिस्तान के साथ नॉर्मलाइजेशन फलाना, एक देखो होता है एक बड़े की तरह बिहेव करना, बड़ा छोटा मैं उन मानों में नहीं कह रहा, तो ये अगर ऐसा करते हैं आते हैं और इनमें कोई पैराडाइम शिफ्ट वगैरह का, तो बहुत अच्छी बात है, ये सब कॉन्टिनेंट की, सबका सब कॉन्टिनेंट की नस्लों पे एहसान होगा। कराची की सोसाइटी से लेकर लाहौर के चौक तक, पेशावर के मोहल्लों से लेकर इस्लामाबाद के टीवी चैनलों के स्टूडियो तक में इसी तरह की चर्चा आम है। खाली थाली पीटने वाले पाकिस्तानियों को लगने लगा है कि 4 जून को हिंदुस्तान में चुनाव के नतीजे आएंगे तो जिन्ना के मुल्क के दिन भी सुधर जाएंगे। मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम होगा ये पाकिस्तान के लिए, बहुत एक अच्छी चीज़ है, हम साया मुल्क है और कौमी नजरिया शुरू से चलते आ रहे हैं, हमारी हर चीज़ उनके साथ चलती आ रही है, मगर अगर कोई पहल करता है तो वो एक मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। सबसे पहली जो मेन चीज़ है, हमें ये देखना है कि हम खुद क्या रीज़न जान दे रहे हैं। जब तक हम खुद को नहीं सुधारेंगे हम अपने मुल्क को नहीं सुधार सकते। हम किसी को क्रिटिसाइज करने की बजाय पहले देखेंगे हमारे घर में हम क्या कर रहे हैं, हम कितने परसेंट खुद के साथ मुखलिस हैं। हर चीज देखें इंडिया में, हर चीज इस वक्त हम इंडिया के साथ ताजर की बात करते हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ देखें कितनी सस्ती हैं, आप पाकिस्तान में गाड़ी लेके दिखाएं, आम शहरी जो है वो गाड़ी, उनकी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी है, वो अपनी चीजें, हम क्यों नहीं कर लेते, हमारी एक्सपोर्ट नहीं बन पा रही। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जहर उगलने वाले पाकिस्तानियों की जुबान अमन के गीत सुना रही है। असल में पाकिस्तान की तिजोरी जब से खाली हुई, जब से महंगाई और मुफलिसी ने जिन्ना के मुल्क का जीना मुहाल किया, तभी से पाकिस्तान की जुबां बदल गई। खुद सुन लीजिए। पाकिस्तान को इंडिया के साथ कंपैरिजन करना छोड़ दें, वो बहुत बड़ी स्टेट है, आप अपने मुल्क के लिए किए करें कुछ तो फिर ही पता चलेगा। तो क्या इंडिया से इंस्पायर होना गलत है? इंडिया से इंस्पायर होना गलत नहीं है, लेकिन इंस्पायर होकर कुछ काम भी तो करें ना। पाकिस्तान के अंदर आप कोई बच्चा कर भी ले तो यहाँ पे क्या कर सकता है, बजट ही नहीं हमारे होते, हमारे भी यहाँ खाने के लाले पड़े हैं, आप देख ले यहाँ पे रोटी की कीमत होती है तो अपना किस तरह से मसले आ जाते हैं। दुनिया इंडिया को मान रही है, आई थिंक थर्ड मोस्ट इकोनॉमी के लिहाज से इंडिया जो है ना वो चला गया आफ्टर दिस चाइना एंड यूएसए। तो अब इंडिया को अगर आप देख लें तो सिर्फ एक पॉइंट है, वन पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी। वहाँ पर जो है ना अगर आप किसी को आपने प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट किया ना या इलेक्ट किया आवाम ने, तो वो कंसिस्टेंट है, उसने अपने 5 ईयर कम्प्लीट करने ही करने हैं। बॉर्डर पर कान लगाकर रखना पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है,
इस्लामाबाद के हुक्मरानों से लेकर पाकिस्तानी अपनी थाली से गायब हो चुकी रोटी से ज्यादा हिंदुस्तान के चुनावों की चर्चा करते रहते हैं। चुनाव के नतीजे भले ही 2 हफ्ते बाद आने हैं, लेकिन पाकिस्तानी अभी से हलकान हुए जा रहे हैं। भारतीय पार्लियामेंट की 543 निशस्तों में से आधी से ज्यादा निशस्तों पर वोटिंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। नरेंद्र मोदी और उनकी इत्तेहादी जमातें 543 की पार्लियामेंट में से 400 निशस्तें जीतने का दावा कर रही हैं। ओपिनियन पोल्स इस बात का इशारा दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भी बासानी इंतखाबात जीत जाएंगे, लेकिन क्या वो 400 निशस्तें हासिल कर पाएंगे, ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। कराची की सड़कों से लेकर मुल्तान के मोहल्लों और सियालकोट की कॉलोनी से इस्लामाबाद की बड़ी बड़ी इमारतों में भारत के चुनावों की ही चर्चा है। इस वक्त हिंदुस्तान लोकतंत्र का जश्न मना रहा है, तब पाकिस्तानी अपने मुल्क के नाकाम मुकद्दर को कोस रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए या होते हैं? देखिए, पाकिस्तान की जो 74 ईयर्स की हिस्ट्री है ना, जब से पाकिस्तान अलग हुआ 76 ईयर रफली, तो आप मेरा नहीं ख्याल कि किसी ईयर में आप किसी इलेक्शन को भी कोई मॉडल कह सकते हैं, कोई बेंचमार्क कह सकते हैं कि यार ये फ्री एंड फेयर था, इसमें कोई दो नंबरी धांधली नहीं हुई। इसका कंपैरिजन आप नेबर कंट्री से करते हैं तो वो कभी वहाँ पे मार्शल ला नहीं हुआ, ठीक है, और वहाँ पे जो जमहूरियत थी वही राज करती रही है, ऐसे ही है, और यहाँ से बड़ा मुल्क है, 5 गुना बड़ा मुल्क, ऐसे ही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, बिल्कुल, और इसके बाद चाइना के बाद दूसरे नंबर की पॉपुलेशन है। पाकिस्तान में लोकतंत्र की बात करना बेमानी है। लोकतंत्र के मामले में जिन्ना के मुल्क का रिकॉर्ड भयंकर तरीके से पस्त रहा है। इसीलिए भारत में जब लोकतंत्र का महापर्व होता है तब पाकिस्तानी अपने मुल्क का तमाशा सरेआम करते रहते हैं। पाकिस्तान की संसद में पाकिस्तान के ही एक सांसद ने क्या कहा, खुद सुनिए। आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया मर गया, और ये हर तीसरे दिन की खबर है। आतंकियों के सरपरस्त मुल्क के ऐसे हालात हो चुके हैं, मुल्क में भुखमरी है, पाकिस्तान की करेंसी रसातल में जा चुकी है, हुक्मरान आराम तलब हैं, इसलिए पड़ोस के मुल्क का ये हश्र जानकर हैरानी नहीं होती। पाकिस्तानी भी यही मानते हैं। क्या कहना चाहेंगे कि वाकई में इंडिया इतनी तरक्की कर गया है कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं, पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, वो कौमी असम्बली में खड़े होकर आज इंडिया की तारीफ कर रहे हैं? जी, बेसिकली जो जहाँ तक इंडिया की बात है तो ऑफकोर्स इंडिया और पाकिस्तान में मेन फ़र्क क्या है जो हमें पाकिस्तान को आज ये मजबूर कर रहा है कि हमारा एक सियासी रहनुमा वहाँ पे बैठ के असम्बली में बैठ के बात कर रहा है, और ये बात कहीं सी तरीके से सच भी है किसी हद तक। उसकी मेन वजह यह है कि एटलीस्ट इंडिया में जो भी है एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जहाँ तक मुस्तफ़ा कमाल ने जो बात की है उस बात के हवाले से पहले बात कर लेते हैं कि उनकी बात बहुत हद तक सही है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल का माजी में और अभी फ़िलहाल जिस पार्टी से उनका ताल्लुक है वो बड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री में थ्रू आउट। ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के नेताओं ने अपने ही मुल्क का पाप सरेआम किया हो। यही वजह है कि जब भी जिक्र आता है पाकिस्तान के सियासतदान से लेकर आम पब्लिक तक बॉर्डर के इस ओर देखने लगती है। हमने अपने जितने भी अच्छे हुक्मरान थे या तो उनको मार दिया या हमें जेलों में डाल दिया, हाँ। और जो पॉलिसी वो आगे हमारे ये पॉलिटिशियन लेके आ रहे हैं वो ऐसी हैं कि आगे फर्दर जो है फ्यूचर हमारा बहुत खतरनाक है। वो कह रहे हैं हमारे मुल्क में इलेक्शन जब 4 जून को रिजल्ट आ जाएगा हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। उनके पास प्लान है और हमारे यहाँ हुकूमतें बदल रही, आवाम का बेड़ा गरक हो रहा है, गरक हो रहा है, गरक ही हो रहा है। आपको पता है कि इंडिया में इस वक्त 39 वजीर हैं, हाँ। 21 सूबों के 39 है, हमारे 96 वजीर हैं। पाकिस्तानियों की बोली ऐसे ही नहीं बदली है। असल में जब से जिन्ना का मुल्क दुनिया के सामने बेपर्दा हुआ है तभी से पाकिस्तानियों की जुबान हिंदुस्तानी नगमे सुनाने लगी है। रही बात भारत के प्रधानमंत्री के पाकिस्तान जाने की, तो इसे भी जान लीजिए। आजादी के बाद से अब तक भारत के 4 प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा कर चुके हैं। इन पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी,
अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम शामिल है। 25 दिसंबर 2015 को प्रधानमंत्री मोदी अचानक लाहौर पहुंचे थे। उन्हें रिसीव करने के लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़कर खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एयरपोर्ट पहुंचे थे। 9 साल बाद फिर पाकिस्तानियों की उम्मीदों को पंख लग चुके हैं कि एक बार फिर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अच्छी बात, I'll be the happiest person। मैं जब वो नवाज शरीफ ने उनको बुलाया था, क्या नाम था, वाजपेयी जी, वाजपेयी साहब थे ना जो आए थे, हाँ, उनके साथ देवानंद भी थे। So I was very happy। बहुत से लोगों ने बकवास भी की, but no, I was very happy। And the way he was received, ये वो सारा, अगर किसी को मरोड़ उठा हो तो मैं नहीं जानता। मुझे तो इस खत्ते में अमन चाहिए, मुझे तो बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा मजबूत चाहिए। हिंदुस्तान भी यही चाहता है, पूरी दुनिया यही चाहती है, लेकिन पाकिस्तानी पैदा होते ही अपनी नस्लों को नफरत का टॉनिक पिला देते हैं। इसलिए 21वीं सदी में जब दुनिया अंतरिक्ष की ऊंचाई नाप रही है, तब पाकिस्तानी अपने हुक्मरानों को लानत मलानत भेज रहे हैं। अगर हम इंडिया की बात करें ना, मुंबई लोग जो है ना वो बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओस जो है ना वहाँ पे रहना पसंद करते हैं। दोनों ही, कराची भी बीचेस समंदर लगता है, मुंबई को भी समंदर लगता है, लेकिन वहाँ पे समंदर की कंडीशन क्या है और हमारे यहाँ क्या कंडीशन है, यहाँ से कंपैरिजन आप कर लें। बाकी यही समंदर बीच में जाओ तो गटरों के शापर पाँव को चिपक रहे हैं। हाँ जी, ऐसे ही है। हम लोग वहाँ पे गए और यकीन कर ली, इतने बुरे इंतजाम है ना कि बंदा बस अब दिल खून के आंसू होता है मुल्क को देख के। वजूद में आने के बाद से ही पाकिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ नफरत की खेती की, तालीम के नाम पर अपनी नस्लों को नफरत सिखाई, तरक्की के नाम पर दहशतगर्दी के अड्डे बनाए। लेकिन अब वक्त के साथ पाकिस्तान के एक तबके को भी अपने हुक्मरानों की हकीकत पता चल चुकी है। ये और बात है कि पाकिस्तान न पहले भरोसे के काबिल था, न अब है और न आगे भरोसे के काबिल रहेगा।